तब आप लोग कैसे हैं? जैसे जैसे एग्जामिनेशन पीटी का नजदीक आ रहा है, आप लोगों पे प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे, ये भारतीय इतिहास का मॉडर्न पीरियड है और मॉडर्न पीरियड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, जहाँ से लगभग हर साल क्वेश्चन रहता ही रहता है और बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग कंस्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे देखेंगे, डिस्कशन भी सुनेंगे, है ना। तो आप लोग देखिएगा, नंबर वन पहला क्वेश्चन जो आपका है ये है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, है ना। यानी विभिन्न प्रकार का आपको एक्ट सेशन दिया हुआ है, आपको देखना है कि इंग्लिश शिक्षा की जो नींव पड़ी क्या इसमें इनका योगदान है। पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा है प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद, और कूट है उसके हिसाब से आपको आंसर बनाना है। याद कीजिए 1813 का चार्टर एक्ट, यानी भारत में कंपनी की स्थापना के बाद लंबे समय के बाद 1813 में पहली बार शिक्षा के संदर्भ में एक मामूली प्रावधान आया था। क्या यह कहा गया कि कंपनी 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन और सुधार के लिए खर्च करेगी, इसका मतलब ठीक है। दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है 1823 में गवर्नर जनरल के द्वारा गठित किया गया, जिसमें 10 यूरोपीय मेंबर थे और इसका एक अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। नहीं, इस कमिटी का जो उद्देश्य था, जो मोटो था, वो ये था कि 1 लाख रुपया जो आवंटित किया गया है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, है ना। यानी पाश्चात्य शिक्षा के डेवलपमेंट पे या प्राच्य शिक्षा के डेवलपमेंट पे। तो इस कमिटी ने ये लगभग एक्सेप्ट किया कि शिक्षा के लिए जो आवंटित राशि है उसका अधिकतम व्यय जो हो वो प्राच्य शिक्षा के संदर्भ में होना चाहिए, ठीक है। प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद आपने पढ़ा होगा, है ना, एंग्लो ईस्ट वर्सेज ओरिएंटलिस्ट, है ना, ये विवाद लगातार चल ही रहा था। मानना यह था कुछ लोगों को कि भारत में प्राच्य शिक्षा पे जोर दिया जाए, नहीं, भारतीय विषय की शिक्षा भारतीय भाषा में। एंग्लो ईस्ट कह रहे थे नहीं भाई, आधुनिक विषय और भारतीय विषय की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में। और अंत आपने पढ़ा होगा मैकाले मिनट के तहत ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारतीयों को आधुनिक विषय की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी, है ना, इसका मतलब इसका भी योगदान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, क्लियर है। नंबर टू देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कूट है उससे आपको आंसर चुनना है। पहला कह रहा है कि 1813 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, सिर्फ भारत की चाय पर और चाइना के व्यापार के साथ उसका एकाधिकार बरकरार रहा। नंबर टू, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा है, भारत का राजस्व और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। आपको देखना इनमें से कौन सही है ना। याद कीजिए, पहला बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा 1813 का एक्ट, इस एक्ट के तहत मुक्त व्यापार को तरजीह दिया गया, फ्री ट्रेड को तरजीह दिया गया, यानी ब्रिटेन का कोई भी पूंजीपति व्यापारी अब भारत आ सकता है, व्यापार कर सकता है, आपने सुना होगा। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चाइना के व्यापार और भारत के चाय व्यापार पर रह गई, मतलब यह सही है। कंपनी के इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, बिल्कुल सही है ना, कंपनी के अधिकार क्षेत्र को कम किया। और तीसरा, भारत की राजस्व और ब्रिटिश भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो भारत का राजस्व या सैनिक मामला ये तमाम ब्रिटिश के नियंत्रण में कब आया, याद कीजिए 1784 पीट इंडिया एक्ट, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। इसका मतलब आंसर में 1 और 2 होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। याद रखिएगा 1858 का एक्ट नहीं है, 1858 के एक्ट को आप लोग पढ़े होंगे, जब 1858 का एक्ट आया था, याद कीजिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और तब भारत सचिव और उसके काउंसिल की व्यवस्था की गई, नहीं, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, है ना।
या भारत में सत्ता का हस्तांतरण हो गया, अब भारत का शासन किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में? नहीं, किसके माध्यम से शासन का संचालन होगा? तो अब गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा? वाइसराय कहलाएगा, उसके माध्यम से होगा, पढ़ा होगा। लेकिन ये पूछ रहा है महारानी की उद्घोषणा 1858, जिसे इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था, वही पहला वाइसराय बना था। याद कीजिए, पहला लिख रहा है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। बिल्कुल सही है, यह उद्घोषणा में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि देशी रियासतों ने तूफान में तरंग रोधक का काम किया है, यानी ब्रिटिश को बचाने का काम किया है, अब विलय की नीति का त्याग करेंगे और उन्हें संरक्षण देंगे, यह कहा गया। बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह तो एक्ट के तहत हुआ था, उद्घोषणा में नहीं था। और तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, रेगुलराइज करना, सही है। यानी आंसर एक और तीन होगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, याद कीजिए अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा भारत से पृथक हुआ? याद कीजिए, कौन सा ऐसा एक्ट है जब आंशिक रूप से कुछ राज्यों को, पूर्ण रूप से कुछ राज्यों को पृथक किया गया है? 1935 का एक्ट, जब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। याद कीजिए, एक इवेंट बिहार में खूब पूछता है। उड़ीसा से बिहार को कब अलग कर दिया गया? किस एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से है, याद आ रहा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा। यानी ब्रिटिश अधिकारी बिल्कुल फायदे में और ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में, बार बार कंपनी सरकार से ऋण का डिमांड कर रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह आवाज उठने लगा कि भाई कंपनी किसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर रही है, अगर हम ऋण देंगे तो इस पर नियंत्रण भी स्थापित करने की जरूरत है। तो 1773 के एक्ट के जरिए क्या हुआ, कंपनी को रेगुलरेट करने की कोशिश की गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अब आप देख लीजिए, दिखा हुआ है इसमें से कौन गलत है ढूंढना है हमें। बंगाल का गवर्नर जनरल अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, बिल्कुल सही है, पहले बंगाल का गवर्नर था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कहने का मतलब केंद्रीय शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। बी है, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही, गवर्नर जनरल अकेले डिसीजन नहीं लेगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 मेंबर होंगे, अब गवर्नर जनरल क्या मेजोरिटी के आधार पर निर्णय लेगा, है ना, यह भी सही है। सी लिख रहा है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जहां एक मुख्य न्यायाधीश एवं 5 अन्य न्यायाधीश होंगे, बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 74 में सर्वोच्च न्यायालय बना भी नहीं, किसके लिए? कलकत्ता वासियों और यूरोपियों के मामले की सुनवाई के लिए, लेकिन उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अन्य जस्टिस होंगे, 5 नहीं 3, याद रखिएगा। इसका मतलब यह गलत है, आंसर आपका यही होगा, है ना। और एलिजा इम्पे को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है, एलिजा इम्पे को ही क्या बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है वो है, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, है ना, कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया? कीजिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्वेश्चन बन सकता है, इस वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन, पिट्स द यंगर हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। तो किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, ध्यान रखना है 1784, है ना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कुल मेंबर्स की संख्या कितनी होगी, याद रखिएगा, कुल मेंबर होंगे ये क्या कहलाएंगे, ये 6 कमिश्नर कहलाएंगे। ये कौन होंगे, इनकी संबद्धता कहां से होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर ही हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। नियुक्ति कौन करेगा, इन्हें क्राउन मनोनीत करेगा, और ये संस्था स्थापित हुई, भारत की सेना, भारत की राजस्व पे इनका नियंत्रण होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो है,
निम्न में से कौन सी विशेषता 1813 की चार्टर एक्ट का नहीं है? गौर से सुनिएगा, 1813 का चार्टर एक्ट मुक्त व्यापार, क्या सही है? आप सोच सकते हैं, फ्री ट्रेड, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ भारत के चाय व्यापार पे मोनोपोली रही और चाइना के व्यापार पे मोनोपोली रही, आपको पता है। कोई भी ब्रिटिश पूंजीपति भारत आ सकता है, भारत में पूंजी निवेश कर सकता है, भारत में संपत्ति खरीद सकता है, ठीक है? इसका मतलब है यह सही है। अच्छा, शिक्षा और साहित्य को प्रोत्साहन, 1813 के एक्ट में ही पहली बार एक मामूली धारा जोड़ी गई जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1,00,000 रुपया प्रति वर्ष शिक्षा और साहित्य के प्रोत्साहन के लिए खर्च करेगी, मतलब सही है। सी, मूल अधिकार संबंधी विचार, याद कीजिए पहली बार 1833 के एक्ट में यह सिद्धांत आया, नहीं क्या सिद्धांत आया, नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए होगी, क्राउन की देशज प्रजा हो चाहे विदेशज प्रजा हो, किसी प्रकार का भेदभाव लिंग भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित तो होंगे, ऐसा सैद्धांतिक विचार आया। क्या यह मालिक अधिकार नहीं है? इसका मतलब यह सही है। दास प्रथा के समापन पर विचार, याद कीजिए पहली बार दास व्यवस्था में सुधार की बात, दास व्यवस्था के समापन की बात जो की गई थी वो किसमें की गई थी? 1833 के एक्ट में की गई थी, है ना? और बाद में आपने पढ़ा होगा 1843 में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, यानी आंसर क्या होगा, दास प्रथा के समापन का विचार यह 1813 से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया? बता सकते, 24 से घटाकर 18 कर दिया गया। याद कीजिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो जो भी कंपनी में निवेश कर रहे थे निवेशकों की संस्था बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स कहलाती थी, और इस संस्था के संचालन के लिए, कंपनी के संचालन के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, क्या कहलाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाया, नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके कुल मेंबर की संख्या 24 थी, और एक क्या होता था, डायरेक्टर्स होता था, है ना, गवर्नर होता था, यही सदस्य संख्या थी क्या, 24। 1853 के एक्ट में इस सदस्य संख्या को घटाकर क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ध्यान रखिएगा 1853 का एक्ट है ना, जिसमें घटाकर कितना कर दिया गया, घटाकर 18 कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। 1857 का भारत शासन अधिनियम, पहला है, यह एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन के काल में। पूछ रहा है पारित हुआ, विधेयक लाया गया नहीं, याद रखिएगा पहली बार लॉर्ड पामर्स्टन की सरकार थी, नहीं बिल पेश किया गया, किसी कारण से पामर्स्टन की सरकार गिर गई, और तब आपको पता होगा क्या लॉर्ड डर्बी की सरकार आई जिसके काल में यह क्या हुआ, यह एक्ट पारित हुआ, इसका मतलब यह गलत है ना। दूसरा है, इस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समापन हो गया, बिल्कुल सही, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी समाप्त, भारत सचिव उसके काउंसिल की व्यवस्था हुई, और भारत सचिव के काउंसिल के मेंबर की संख्या कितनी होगी, 15 होगी, लॉर्ड स्टेनली क्या बने, फर्स्ट सचिव बने, है ना, इसका मतलब यह सही है। इस एक्ट के अंतर्गत भारत पे कंपनी के शासन समाप्त हो गया, इस एक्ट के तहत भारत पे कंपनी का शासन समाप्त हो गया, सत्ता का हस्तांतरण किसके हाथ में, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, इसका मतलब है आंसर हां, इस एक्ट के तहत भारत पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया। आपको आंसर चुनना है कौन कौन सही होगा, इसका मतलब एक जो है ये गलत है, दो तीन होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, गवर्नर जनरल के काउंसिल में एक विधि सदस्य की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य लॉ मेंबर की व्यवस्था, आपके सामने विकल्प 1813, 1833, 1858, 1861, ध्यान रखिएगा ये एक्ट है 1833,
जिस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल के काउंसिल में क्या होगा, एक लॉ मेंबर होगा। अब गवर्नर जनरल अगर कानून का निर्माण करता है तो लॉ मेंबर के एडवाइस के आधार पर ही कानून का निर्माण करेगा। और फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बना था, याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड मैकाले, है ना, यही पहला क्या बना, लॉ मेंबर बना, बिल्कुल सही है। चल अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक विकास के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन गलत है, आपको गलत को चुनना है। भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय का प्रवेश हुआ, पढ़े होंगे, बिल्कुल सही है, गवर्नर जनरल के स्कॉटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय का प्रवेश हुआ, उनका नाम क्या था, उनका नाम था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बिल्कुल सही है। बी है, 1919 के एक्ट के प्रारूप का निर्माण किया लियोनिस कार्टिस ने, जिसे भारत जैसे विशाल देश के लिए डायरेक्टी की बात की, नहीं याद कीजिए, 1919 का एक्ट जिसके तहत प्रांतों में दुई मतलब की डायरेक्टी की व्यवस्था की गई, है ना, द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। और इसका जो प्रारूप बनाया था वो लियोनिस कार्टिस ने ही बनाया था, बिल्कुल सही है। 1919 के एक्ट के तहत भारत के लिए एक उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। 1935 के एक्ट में भारत सचिव के काउंसिल के सदस्य संख्या को घटाकर 12 कर दिया गया, यह गलत है, याद रखिएगा, भारत सचिव और उसके भारत सचिव के काउंसिल के मेंबर की संख्या कितनी होती थी, 15 होती थी, इसे पहली बार घटाकर क्या 12 कर दिया गया, कब, 1919 के एक्ट में। और साथ ही साथ क्या किया गया, अब भारत सचिव का कार्यालय और इस मेंबर की सैलरी का दायित्व तो किस पे होगा, ब्रिटिश संसद पे होगा, भारत निधि से नहीं, ब्रिटिश संसद से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव का पद तो बरकरार रहा लेकिन भारत सचिव के काउंसिल को समाप्त कर दिया गया, यानी भारत सचिव का काउंसिल, भारत शासन अधिनियम 1909 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1919 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 के एक्ट के तहत भारत सचिव का पद तो बरकरार है लेकिन उसके काउंसिल को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न जो आपका है, किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश की इजाजत तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में संपत्ति खरीदने का अधिकार मिल गया, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, नहीं, मुक्त व्यापार आया 1813 में, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली को समाप्त कर दी गई, सिर्फ भारत के चाय और चाइना के व्यापार पर अधिकार रहा था, कोई भी ब्रिटिश पूंजीपति व्यापारी भारत आकर यहां पूंजी निवेश कर सकता था, व्यापार कर सकता था, भारत में संपत्ति खरीदने का राइट मिल गया, ईसाई मिशनरी के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन देगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन नहीं देता है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास राइट है कि ऐसे ईसाई मिशनरी को या पादरी को जो भारत धर्म संगत कार्य के साथ आना चाहते हैं, कार्य के लिए आना चाहते हैं, उन्हें परमिशन दे। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1813 का एक्ट, कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्न में से किसी को स्पष्ट रूप से, किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, न्यायपालिका और विधायिका के बीच स्पष्ट पृथक्करण नहीं, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां उपरोक्त में से कोई नहीं। याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1919 के एक्ट में क्या हुआ, विषयों का बंटवारा किया गया, है ना, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय, राज्य में डायर किया गई, है ना, डायरकी के तहत भी राज्य में देखते क्या है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय के रूप में बंटवारा, यानी आंसर क्या होगा, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न जो आपके सामने है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसे दी गई, 1935 के तहत स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसे दी गई, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को, प्रांतीय विधानमंडल को, संघीय विधानमंडल को, आप याद कीजिए 1935 के एक्ट के तहत पहली बार संघीय व्यवस्था को मान्यता दी, है ना,
केंद्र में डायरकी को स्थापित किया गया, राज्य में डायरकी को समाप्त कर दिया गया, आपने सुना होगा, है ना। साथ ही साथ क्या देखते हैं, विषयों का बंटवारा हुआ, केंद्रीय सूची नहीं संघ सूची, क्या है राज्य सूची और क्या है संवर्ती सूची, है ना। विषयों का बंटवारा हो गया 59, 54, 36, और कहा गया कि जो अब शेष शक्तियां हैं वो किसके पास होंगी, गवर्नर जनरल के पास होंगी, है ना। चल अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित और अंतरित के अंतर्गत बांटे गए थे, निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय थे। आरक्षित और अंतरित मतलब क्या, हस्तांतरित, अभी अभी मैंने बात किया है नहीं, इसमें कौन सा जो विषय है वो क्या है, आरक्षित विषय थे। याद कीजिए कि प्रांतों में डायरकी की व्यवस्था है ना, अब क्या हुआ प्रांतों में भी विषयों का बंटवारा हो गया, एक आरक्षित विषय जो जिसका संचालन कौन करेगा, प्रांतीय गवर्नर अपने कार्यकारी काउंसिल के साथ करेगा, है ना। और दूसरी ओर क्या है, हस्तांतरित जो किसके जरिए होगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा संचालित होगा, ठीक है। विषय का भी बंटवारा हो गया, जो आरक्षित विषय था उसमें न्याय प्रशासन भी था, भू राजस्व था, पुलिस था, लेकिन स्थानीय स्वशासन क्या था, हस्तांतरित विषय था, ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई, याद रखिएगा फेडरल कोर्ट की स्थापना, राज्य और संघ के मामले में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति होगी तो निपटारा कौन करेगा, फेडरल कोर्ट करेगा। दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई कब, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, और यह कोर्ट बना कब, याद रखिएगा 1937 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, अभी अभी मैंने बात किया, केंद्र में द्वैध शासन 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ये खूब क्वेश्चन पूछता है। प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935, ध्यान रखिएगा।